और नाल नाल साड़ी पीटीआई ने भी जड़ियां तंजीमां ने उन्होंने भी असी अपना मुकम्मल कर सा क्योंकि एक तो मैं तुसां की पहला ना आखना पिया कि ये जड़ा असा मैंबरशिप कंपेन शुरू की है उसकी वजह यह सी कि आज़ाद कश्मीर बलदियाती इलेक्शन नहीं आमद आमद है असा बलदियाती इलेक्शन की भी तैयारी करनी है लेकिन मैं ना नहीं लगना कि जनरल इलेक्शन की भी तैयारी शुरू माड़ा ख्याल यह है कि हूँ तकरीर वाला माहौल तक कौन ही रहा हूँ सिर्फ यही है कि यही आखसा कि असा भंगड़े मारने से ढोल मारे हुकूमत खोनी है मैं मीरपुर इंतजामिया की भी फुका चस्सी जरा बाकी दुबानी कोई इस वजह तू मैं तुसें ये दसना चाहना कि मैं आज नौजवानों ने सामने मीरपुर इंतजामिया की भी बड़े वाजे और दो टोक अल्फाज दसना चाहना कि तुसी जेड़े ये बाहरों भर्तियां कर रहे हो जेड़े तुसी ये कर रहे हो सिलसिला बाहरों रोजगार दे रहे हो जबकि मीरपुर ने नौजवान जेड़े इन्हें की रोजगार नहीं लभना और सारा सब तो बड़ा मसला जड़ा मीरपुर में है ये नौजवानों का मसला है जड़ा ये रोजगार का मसला है और मैं अपने दौर इस सिलसिले में कोशिश की थी और खैर यहाँ ये पीटीआई होना रहना है ये डांग छोटा पहले आप सिख सा तो मार सकते कोई ऐसी गल इस वजह तो मैं इंतजामिया की भी बड़े वाजे और दो टोक अल्फाज आखना कि असा थोड़ा जहा आराम नाल सबर नाल और माड़ी तवज्जो ज्यादा जड़ी सी वह कश्मीर पर सी क्योंकि मकबूजा कश्मीर बड़ा जुल्म हो रहा सीज फायर लाइन पर असा ने बड़े लोग मुतासर हो रहे हैं माड़ी तवज्जो उधर भी है सी लेकिन हूँ इंशाल्लाह ज्यादा तवज्जो माड़ी इतने वह और मैं इंतजामिया की भी दसना हुकूमत ना नहीं चीज़ तो बिल्कुल रही कोई नहीं और बिल्कुल तुस हाँ जानने हो कि मैं कदे गलत नहीं की मैं जी गल आखना होना उ करना होना और जी करना उ आखना होना इस हुकूमत होना इसनी भी जान कोई नहीं सिर में यह है कि पाकिस्तान नहीं तो ये नाल नाल मुकन ताकि उधर खान साहब वज़ीर आज़म बने इतने पीटीआई की हुकूमत बनी